यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 15 के पास पुलिस ने बदमाशों पर फायरिंग की है, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया है जबकि एक भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इन बदमाशों ने कुछ दिन पहले नोएडा सेक्टर 20 के बिजली घर में गार्ड को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था और जाते जाते गार्ड की बंदूक भी ले गए थे। पुलिस के अनुसार उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में एक बदमाश ने जिसे गोली लगी है उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि दूसरा पुलिस हिरासत में है। इसके अलावा बदमाशों से लूटी हुई बंदूक भी बरामद की गई। आपको बता दें, पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने बदमाश को धर दबोचा है और उसके साथ एक बंदूक भी बरामद की है जो कि बदमाश के पास से पाई गई, और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इससे पहले इनके ऊपर कई आरोप भी लगे हुए हैं बदमाशों के ऊपर, और अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन बदमाशों को धर दबोचा है, जिनके पास से एक बंदूक बरामद हुई है। इस गाड़ी में ये बंदा कहाँ है? 10 शॉट।